हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, कल के सेशन में बाजार कैसे हो सकते हैं ओपन, जो कि काफी मेरे पास आजकल कमेंट आ रहे हैं कि कल के सेशन में भाई निफ्टी गैप अप होगा या गैप डाउन। इसके चलते मैंने इस बार ये वीडियो बनाने की सोचा कि बाजार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा कि जैसे कि मैं लास्ट टू वीक से मार्केट क्रैश करके वीडियो बना रहा हूँ संडे को, बट इस बार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ऐसी कुछ दिक्कत आने वाली है कल के सेशन में। इनफैक्ट मेरा व्यू पॉजिटिव ही चल रहा है। आपको मैंने फ्राइडे को बोला था कि अब मार्केट में जो करेक्शन है वो हो सकता है थर्सडे फ्राइडे को रहे, और मे बी ऑन मंडे इट कैन बी कंटिन्यू। बट आपको जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जो ये मार्केट में गिरावट चल रही है, ये दो तीन पर्टिकुलरली रीजंस हैं इनके, फेड रेट हाइक्स, रेपो रेट हाइक्स और अचानक से अनशेड्यूल मार्केट की एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है। तो इसके चक्कर में अचानक जो भी मार्केट को शॉक मिलता है, सरप्राइज मिलता है, मार्केट उस पर आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव वे में मूव करता है। इस बार नेगेटिव सरप्राइज था, जो कि आपने स्क्रीन पे आते हुए देखा किस कदर मार्केट गिरती हुई दिखी है। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, किस जगह आपको नजर रखनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, मार्केट पे व्यू क्या बन रहा है, इसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो प्लीज को लाइक भी कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। आपका किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी प्लीज कमेंट करिए, मैं उस पर या तो पूरी वीडियो बनाऊंगा या फिर शॉर्ट बनाऊंगा। आपको इतना याद रखना है कि आप मेरी वीडियो के साथ शॉर्ट्स भी वॉच करें ताकि जब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। अभी स्टॉक के बारे में बात करते हैं, मार्केट के बारे में। सबसे पहले अमेरिका के बाजार को देखते हैं कि फ्राइडे नाइट में अमेरिका के बाजार में क्या हाल हुआ है। अगर अमेरिका के बाजार देखें तो मुझे काफी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है, बट फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग है। लगभग 0.30% की गिरावट आई डाउ जोन में, बट नैस्डेक इंडेक्स कहीं ना कहीं आपको गिरता हुआ दिखा है हैविली। नैस्डेक इंडेक्स की बात करें, हैविली तो नहीं, बट 1.5% की करेक्शन वहां थी, और हमारा जो स्टॉक्स हैं वो ज्यादातर नैस्डेक इंडेक्स में लिस्ट हैं, जिसके चलते हो सकता है हमारे मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर रहे। बट मैं जैसा कि आपसे कहता हूं, अगर कोई न्यूज इवेंट बेस्ड गिरावट आती है हमारे स्टॉक्स में और ADR गिरता है, तभी हमारे स्टॉक्स उसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस का रिजल्ट खराब आए, ADR 10% गिरा, इन्फोसिस भी 10% गिरा। अगर नॉर्मल आज के सेशन में ADR फ्राइडे को 2% गिर रहा है, तो जरूरी नहीं है मंडे को भी 2% गिरेगा इन्फोसिस, क्योंकि वो नॉर्मल रूटीन में अपना ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इतना समझ जाइए, ठीक है। इवेंट और न्यूज के चक्कर में जो भी रिएक्शन आता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट नॉर्मल ट्रेड में सेम नहीं होता है। तो आप ADR ऐसे अगर सेम ही होता तो ADR को देख के दुनिया ट्रेड कर लेती, तो ये आप इसको देख के मत करिए, ठीक है। अभी नैस्डेक की जैसा कि मैंने आप सभी से कहा 1.5% गिरा, तो हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट पे भी निफ्टी के लेवल्स पे बात करूं, उससे पहले डाउ जोन्स बता दूं आपको। जैसा कि मैंने बताया 0.30% गिरकर बंद हुआ, यानी 100 पॉइंट्स की गिरावट थी। लगभग 32,899 पे क्लोजिंग आती हुई देखिए, 33,055 का हाई था, और लो की बात करें तो 32,474, यानी नीचे के लेवल से आप देखो तो लगभग 400 पॉइंट्स की रिकवरी थी, ठीक है। तो ये होता हुआ दिखा है अमेरिका के बाजार में। अगर मैं निफ्टी की बात करूं अपने इंडियन निफ्टी की, तो 16,411 पे क्लोजिंग दिए, और स्टॉक अगर निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट के पास पहुंचती हुई दिखी है 16,200 पे। कहीं ना कहीं आप सभी को पता है एक सपोर्ट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है अपने आप में। अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर 16,000 और उसके नीचे तो ज्यादा मूड माहौल खराब हो सकता है। और लेकिन चार्ट पे जो देखने को मिल रहा है इस टाइम, वो 16,600 के नीचे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, जहां से आपको लगभग 100 से 150 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो व्यू क्या बन रहा है, तो मेरा सिंपल सा व्यू है, अगर आप एकदम ट्रेडर हो इंट्राडे और BTST वाले, तो सेल ऑन राइज का है। लेकिन अगर आप एक महीने, दो महीने, तीन महीने के नजरिए से देखो, तो इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने का मौका है, अच्छे स्टॉक्स को मैं पोर्टफोलियो बनाने का मौका है। और इस पे मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा आज के सेशन में कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए और उठाने चाहिए इस गिरते हुए बाजार में। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आज उस पे भी एक वीडियो आएगी। अभी इस मार्केट में आपको जो व्यू और जो आपका नजरिया होना चाहिए वो ये कि आपको गिरावट में खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। आप मेरे से पूछो कि आउटलुक कैसा, आउटलुक बहुत शानदार, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है जो कि आपको चलती हुई दिखेगी। अगर आप अभी पूछे तो देखिए, ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो प्राइस्ड इन ऑलरेडी हो चुके हैं, फियर मोमेंटम बन रखा है इस टाइम, जिसके चलते बाइंग मोमेंटम बिल्कुल गायब है। अब आप अपने आप को देख लीजिए, क्या आपकी हिम्मत हो रही है कुछ खरीदने की, आपको ये लग रहा है और गिरेगा और, तो ये फियर फैक्टर है इस टाइम जिसने बाइंग को बिल्कुल अलग हटा के रख रखा है और सेलिंग प्रेशर चल रहा है, बस यही हो रहा है मार्केट में। बट मेरे हिसाब से
15-16 मई के बाद से मार्केट नॉर्मल होती हुई दिख सकती है आप सभी को। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक से वॉलिटिलिटी तो मुझे लगता है खत्म ही हो जानी चाहिए। 100-150 पॉइंट्स की मूवमेंट में निफ्टी घूमनी चाहिए। अगर आप मेरे से कल के लेवल्स पूछें तो मुझे लगता है निफ्टी अराउंड इन्हीं लेवल्स पे और 16,300 से 16,500 के बीच में ही आपको कहीं क्लोजिंग देता हुआ दिख सकता है। 200 पॉइंट्स की रेंज है जहां आजकल आप देख रहे हो 400-400 पॉइंट्स की रेंज में घूम रही है, 300-400 पॉइंट, वहां पे मुझे 200 पॉइंट्स की रेंज मैक्सिमम दिख रही है कल के सेशन के लिए। बाकी ऊपर नीचे हो जाता है मूड माहौल को देखते, वो देखने वाली बात है। आपके लिए हम वीडियो कल भी लाएंगे। अभी आपके लिए मेरी सलाह ये होगी एक्युमुलेट करते रहे स्टॉक्स को, डरने वाली बात नहीं है। आपको रिबाउंड आता हुआ दिखेगा और शार्प रिबाउंड होगा इंडेक्स लेवल पे। तो ऑलमोस्ट निफ्टी में भी आप पैसा लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, काफी लोगों का सवाल होता है क्या हम निफ्टी खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, निफ्टी ETF क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, आप डायरेक्ट सर्च करिए निफ्टी ETF, जिसको निफ्टी 20 भी कहते हैं। बैंक 20 तो बैंक निफ्टी हो जाता है, लेकिन निफ्टी ETF देखोगे आप, दैट मीन्स आप निफ्टी को बाय कर लोगे कैश में हमेशा के लिए, जिसके द्वारा आप निफ्टी के 50 स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं। पोर्शनली वो अपने आप डिवाइड कर देता है, बट आप निफ्टी 50 भी बाय कर सकते हैं। यहां से 10% तो निफ्टी भी आपको रिटर्न दे देगा आने वाले एक साल में, जहां आप बिल्कुल सेफ्टी के साथ बने रहने की सोच सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो मेरी मार्केट के लोग, होप आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।